गुड आफ्टरनून क्लास। क्लास आपके सामने इंग्लिश का जो पेपर है CUET कंप्राइजिंग ऑफ 50 क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज हम सॉल्व करने वाले। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्चुअल पैसेज एंड द पैसेज विल कंप्राइज ऑफ 5 MCQs. First of all, we have to read the passage well and underline the important points. The passage reads as, the phrase team building exercises may be new, but the reality is not. From the very first line, from the outset, it is clear that the passage will talk about team building exercise. That's why I have underlined it. May be new, but reality is not. It means that team building exercises may be new to the people. It seems to be new, lekin reality nahi hai, it's ancient. Reality ye nahi hai. It means it has a good history behind. Its origin goes back at least as far as the medieval tournaments. Ye bhi hame important point lag raha hai ki iski history nayi nahi hai. It takes us back to the medieval time. जब मेडिवल टूर्नामेंट्स खेले जाते थे। दीज प्रोवाइडेड नाइट्स विद मिलिट्री ट्रेनिंग एंड द अपॉर्चुनिटी टू मेक रेपटेशंस। सो नाइट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी और रेपटेशन बनाने का उनके पास एक अच्छा मौका होता था, क्योंकि उस टाइम के जो स्पोर्ट्स थे वो कॉम्बैट्स की तरह होते थे। फाइट्स जैसे इंडिविजुअल जॉस्टिंग एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट केम फर्स्ट, बिकॉज दीज टू थिंग्स केम फर्स्ट। इंडिविजुअल जॉस्टिंग, जॉस्टिंग भी एक बिल्कुल जैसे आप पोलो खेलते हैं या देखा होगा, दैट इज़ प्लेड ऑन द हॉर्स बैक। सिमिलर टू दैट द टू ओपोनेंट्स यूज्ड टू सिट ऑन द हॉर्स बैक एंड फाइट, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल जॉस्टिंग एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स। दीज गेम फर्स्ट, देन देयर वर टीम इवेंट्स, इन दीज अ ग्रुप ऑफ नाइट्स फॉट अगेंस्ट अनदर ग्रुप। उसके बाद फिर टीम इवेंट्स होते थे, ठीक है, इंडिविजुअल इवेंट्स भी थे और टीम इवेंट्स भी। टीम इवेंट्स में अ ग्रुप ऑफ नाइट्स फॉट टुगेदर एंड फॉट साइड बाई साइड इन द रियल बैटल ऑल्सो, और ये एक साथ भी बैठा करते थे। लुक, दीज टीम्स ऑफ्टन स्टेड टूगेदर एंड फॉट साइड बाई साइड इन द रियल बैटल। दे हैड टीम सेपरेट, दे हैड ब्रदरहुड, दे हैड मैनी कॉमन थिंग्स टू शेयर, बट एट द सेम टाइम वैन इट वॉज द रियल बैटल दे फॉट विद ईच अदर। टीम गेम्स टूडे सच एज फुटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी, दीज आर द डिस्टेंट डिसेंडेंट्स ऑफ सच मेडिवल टूर्नामेंट्स। लुक, ये भी मैंने अंडरलाइन कर लिया कि आज की जो स्पोर्ट्स है लाइक फुटबॉल इज देयर, बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वो जो है वो डिस्टेंट डिसेंडेंट्स हैं। यहाँ पे वर्ड डिसेंडेंट आता है, मैं इसे एनसर्कल करता हूँ, डिस्टेंट डिसेंडेंट्स ऑफ सच मेडिवल टूर्नामेंट्स। फाइन, सो आज की जितनी भी गेम्स हैं जैसे फुटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ये सब क्या है, ये डिस्टेंट डिसेंडेंट्स हैं मेडिवल टूर्नामेंट्स। इसका मतलब मेडिवल टूर्नामेंट्स एंसेस्टर्स माने जाएंगे और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, ये क्या है, ये डिसेंडेंट्स हैं। सेकेंड पैराग्राफ, अ क्रूशियल इवेंट इन द मोमेंट फ्रॉम बीइंग अ ग्रुप ऑफ बिकमिंग अ टीम कैन बी द टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज। मैं इसमें क्रूशियल वर्ड को अंडरलाइन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि नया वर्ड होगा आपके लिए तो इसलिए पूछा जा सकता है। अ क्रूशियल इवेंट इन द मोमेंट फ्रॉम बीइंग अ ग्रुप ऑफ बिकमिंग अ टीम कैन बी द टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज। दिस कैन बी बेस्ड अपॉन आइदर अ सब्स्टिट्यूट टीम टास्क, फॉर एग्जांपल अ बिजनेस केस स्टडी और अ फ्यू डेज ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज। सो क्रूशियल इवेंट मोमेंट में क्या होता था, जब एक टीम बनती थी, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज होती थी, उसके अलावा सब्स्टिट्यूट टीम टास्क दिया जाता था। तब कोई बिजनेस केस स्टडी, फ्यू डेज ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़, ये सब करवाया जाता था, ठीक है, या गोइंग अवे फॉर अ वीकेंड टू प्लान कंपनी स्ट्रेटजी, दीज वर द थिंग्स टू डू अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज मैन टू डू, अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग गेम्स, अपार्ट फ्रॉम द टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज, ये उसके अलावा बाकी चीज़ें भी होती थी। सो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ अप्रोचेज। एडवांटेज क्या था अब सब्स्टिट्यूट टाइप टास्क टाइप, कि सक्सेस या फेलियर जो है वो पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस नहीं है। दीज आर द
success and failure, it is the part and parcel of a game. But what really matters is, जो ज़्यादा matter करता है वो ये है that a person learns challenges, a person learns professional challenges, how to meet those challenges, how to concentrate on the essential issues and common brother, how to work together as a team. These are the things one learns from team building exercise. Now the first question asked is, choose the correct meaning of the word crucial from the options given. देखिए, जब भी आपको synonym या correct word ढूंढने के लिए मिलता है या meaning देने के लिए मिलती है, आपने क्या करना है? देखिए, crucial की meanings बहुत सारी हैं. इम्पॉर्टेंट भी है, एसेंशियल भी है, ठीक है, लेकिन आप देखिए इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है. लुक, आई हैव एनसर्कल्ड अगेन. अ क्रूशियल इवेंट इन द मोमेंट फ्रॉम बीइंग अ ग्रुप ऑफ बिकमिंग अ टीम. यहाँ पे क्रूशियल वर्ड जो है ये किसी कॉमोडिटी के साथ नहीं लगा है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ लगा है, इवेंट के साथ लगा हुआ है, ठीक है. सो इसे रिप्लेस करने के लिए सिमिलर टू मीनिंग ही होना चाहिए जो भी वर्ड होगा. सो डिसीजिव यहाँ पे मतलब देता है, मीनिंग देता है, समथिंग दैट प्रोड्यूसेस अ डेफिनेट रिजल्ट. अगर इंसान के लिए यूज होता, पर्सन के लिए, तो मीनिंग होती है हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस क्विकली. फाइन. सो यहाँ पे इंसान के लिए नहीं है, इट्स यूज फॉर द इवेंट. सो it gives a meaning of a definite result, something that settles an issue, something that produces a definite result, okay, effectively. So crucial ka jo word hai, synonym man ke chalo ya correct meaning, that is decisive. The second question is, देखिए यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, डिसीजिव इज अ सिनोनिम फॉर क्रूशियल, डिटरमाइनिंग और हैविंग द पावर टू डिटरमाइन एन आउटकम. मतलब एक रिजल्ट, एक आउटकम डिटरमाइन करना, उसकी पावर रखना, उसे हम डिसीजिव कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द ऑप्शन दैट इज एंटोनियम ऑफ द वर्ड डिसेंडेंट. डिसेंडेंट का एंटोनियम देखना है. दिस इज द वर्ड, डिसेंडेंट वर्ड है, और डिसेंडेंट का एंटोनियम क्या है? डिसेंडेंट का एंटोनियम यहाँ पे एंसेस्टर है, क्योंकि अभी हमने जब पैसेज रीड किया, इन द पैसेज द वर्ड डिसेंडेंट इज यूज्ड. और डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंडेंट का मतलब होता है जो, जैसे मैं हूँ, मैं डिसेंडेंट हूँ अपनी फैमिली का, अपने एंसेस्टर्स का, अपने फोरफादर्स का. फाइन. सो डिसेंडेंट होता है एक पर्सन, प्लांट, स्पीशी, एनिमल दैट हैज़ डिसेंडेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंसेस्टर, जो किसी एक पर्टिकुलर एंसेस्टर से आए, यानी कि अ पर्सन रिलेटेड टू समवन फ्रॉम एन अर्लियर जनरेशन. ये वर्ड डिसेंड से आया है. डिसेंडेंट जो है, इट कम्स फ्रॉम डिसेंड, विच मीन्स टू मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे की तरफ. फाइन. सो डिसेंड वर्ड से आया. तो डिसेंड का मतलब होता है फ्रॉम एन अर्लियर जनरेशन टू द न्यू वन. तो डिसेंडेंट का यहाँ पे एंटोनियम अगर देखा जाए तो वो है एंसेस्टर, क्योंकि सेम मीनिंग नहीं, एंटोनियम ऑपोजिट मीनिंग हमने निकाली. सो द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ दिस इज, ऑपोजिट मीनिंग ऑफ एंटोनियम इज दिस, सॉरी, डिसेंडेंट इज एंसेस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द टास्क गिवन इन द लिस्ट वन विद द अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल गिवन इन लिस्ट टू. देखिए, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए अगर एक चीज़ का ख्याल रखिए, यू नीड नॉट टू सॉल्व द होल. आपने दो ऑप्शंस जो हैं वो निकालने हैं, देन आफ्टर आपने मैच करना अपने ऑप्शंस के साथ. देखिए, आपने देखना है सब्स्टिट्यूट, टीम वर्क, इन चार में से इसकी मीनिंग कहाँ बैठती है. फर्स्ट इज अ फ्यू डेज ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज, सेकेंड इज प्लान कंपनी स्ट्रेटजी, थर्ड इज इंडिविजुअल जॉस्टिंग, एंड द फोर्थ वन इज
real battle. Real battle. Fine. The first is substitute teamwork. अभी हमने पढ़ा पैसेज में substitute teamwork जब दिया जाता था तो few days of outdoor activities दी जाती थी. Fine. So इसका मतलब है कि पहले का option हमारे सामने है. Next is things did military training. अब हमारा match क्या हो रहा है? A का match हो गया one. ये A है, ये one है. ठीक है, A one. B is knights did military trainings. देखते हैं B के साथ क्या match होता है. B, knights did military trainings. अब first तो हो गया हमारा. Second देखते हैं, plan company strategy, individual jousting या real battle. अब training किस चीज़ के लिए होती थी? Military training होती थी तब जब individual jousting, यानी कि वो एक horse back पे बैठ के वो जो combats, वो जो battles होती थी उनकी, उसकी training होती थी. Fine. तो इसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल जॉस्टिंग. इसका मतलब बी जो है ये इसके साथ मैच हो रहा है. दिस इज नंबर्ड एज थ्री. ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से इसको दोबारा मैच करता हूँ. वन का आपका सामने है, वन का वन आ गया, ए का वन आ गया, बी का थ्री, थर्ड वन. ठीक है, बी का वन टू थ्री. चलिए ज़्यादा सॉल्व करने से अच्छा है पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं. ए वन बी थ्री इसमें है, ए वन इसमें, बी फोर है गलत हो गया, ए वन बी टू है गलत हो गया, ए फोर्थ बी थ्री है ये भी, यानी कि तीन ऑप्शन दिए वाले नहीं हैं आंसर में. सो योर करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन जिसमें ए वन और बी थ्री दिया हुआ. अगर आप फर्दर भी इसको सॉल्व करना चाहते हैं यू कैन. जैसे टीम इवेंट्स ऑफ ग्रुप, टीम इवेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ नाइट्स, टीम इवेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ नाइट्स वो क्या करते थे? वो रियल बैटल्स करते थे और इनका रियल टास्क होता था प्लान कंपनी स्प्रेड. दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन जो मैच हो. मैच द वर्ल्ड. द फोर्थ वन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द रियलिटी ऑफ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज इज दैट इट इज. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है. देखिए रियलिटी ऑफ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज. अब ये ना सोचिएगा आप कि ये क्वेश्चन नंबर फोर है तो ये कहीं पैसेज के एंड पे मिलेगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, पैसेज इसीलिए पहले अंडरलाइन करनी होती है. अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर फोर पूछा है और इसका आंसर पहली लाइन में है. रियलिटी ऑफ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज क्या है हमने पहली लाइन में देखा. वेट, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट. देखिए रियलिटी क्या है टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज की. द फ्रेज टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज मे बी न्यू बट द रियलिटी इज नॉट. रियलिटी ये है या नया नहीं है? रियलिटी जब ये कहती है कि ये नया नहीं है, इसका मतलब ये एडवांस्ड नहीं है, इसका मतलब ये न्यू नहीं है, इसका मतलब ये मॉडर्न नहीं है, इसका मतलब ये एंशियंट है. फाइन, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन अगेन. नाउ द लास्ट वन, द फिफ्थ वन. According to the passage, a group of knights fought against another group in, again, the easiest one rather. देखिए पहले ही knights दिया हुआ. Knights तो ना तो cricket में होते हैं जो लड़ते हैं, ना तो hockey में होते हैं जो लड़ते हैं, ना तो baseball में. Soldiers light in real, fight in real battles. Fine, real battles, combats में लड़ते हैं. This is the correct answer. This one, D on. Fine. So इस तरह से आपने पैसेज करना है. पैसेज को अच्छी तरह रीड करने के बाद, आफ्टर रीडिंग इट थॉरली, यू हैव टू अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन. उनको अंडरलाइन करने के बाद इट विल बी ईजियर फॉर यू टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पूरी पैसेज बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, थैंक यू सो मच. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.